हाँ भाई, तो फोटोसिंथेसिस चल रहा था अपना, बाकी सब चीज़ें पढ़ ली थी, बस सीधे लाइट रिएक्शन पे जाना था अपन को। फोटोसिंथेसिस में करना क्या है, ग्लूकोज बनाना है, भोजन तैयार करना है भाई। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, 18 ATP प्लस 12 NADPH2। और ये 18 ATP और 12 NADPH2 कहाँ बनेंगे, लाइट रिएक्शन में, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे और उससे बनाएंगे क्या, 18 ATP और 12 NADPH2। और फिर ये 18 ATP और 12 NADPH2 से बन जाएगा अपना ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में जाके। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, लाइट रिएक्शन की, मतलब हमें लाइट रिएक्शन में 18 ATP और 12 NADPH2 बनाना है। चलो बनाते हैं, ये है अपना लाइट रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती है इसमें, क्योंकि मैंने बताया था आपको दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं, एक पीएस फर्स्ट और एक पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट जिसमें होता है P700, वो कब एक्टिवेट होता है, जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट हो, ठीक है। तो इसमें दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जो है ना फोटो सॉरी फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। आगे क्या जुड़ा है, फोटो, इसका मतलब हो गया क्या, लाइट, मतलब जब एटीपी लाइट की प्रेजेंस में बनेगी तो उसे कहेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। एटीपी चाहिए हमको, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, साइक्लिक। साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, देखो यहां पर ये जो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें काम करता है आपका पीएस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कौन है आपका, P700। ये हैं इसके सारे चेले चपाटे, मतलब इसके एसेसरी पिगमेंट्स, कैरोटीन, ये सब चीज़ें। अच्छा एक चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, कि ये जो पूरा ग्रुप है जो कि लाइट को हार्वेस्ट करता है, उसको पूरे को लाइट को जो लेता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, इस ये जो पिगमेंट का ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वांटासोम। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। जैसे कि मैंने बताया था कि अकेले क्लोरोफिल की बस की बात नहीं है कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके 18 ATP और 12 NADPH2 बना दे, इसके लिए पूरा सिस्टम काम करता है जिसमें मेन होता है क्लोरोफिल, इसके अलावा और के एसेसरी पिगमेंट्स। तो उन सबके ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। लगभग 230 से लेके 240 तक होते हैं पिगमेंट, कितने, 230 से 240। ये जो क्वांटासोम है ना, इसको डिस्कवर किया था वैज्ञानिक है पार्क एंड बिगिंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना बस। क्वांटासोम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट भाई, ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है, ये एक यूनिट है, मतलब एक पूरा ग्रुप है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, एक फोटोसिंथेटिक यूनिट है, इसको शॉर्ट में PSUV कहते हैं। क्या है, क्वांटासोम। कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, 230 से 240। और ये क्वांटासोम को किसने डिस्कवर किया था, पार्क एंड बिगिंस ने, ठीक है। ये शायद पिछले वीडियो में चर्चा नहीं हुई थी इसके ऊपर, बस इतना याद रखना है, क्वांटासोम को कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्वांटासोम। इसको बता दूंगा अभी, अपन बात करेंगे सिर्फ लाइट रिएक्शन और अब कहीं भटकना नहीं है अपने टॉपिक से। तो भाई लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है जिसका रिएक्शन सेंटर है P700, ठीक है। यह है सूरज की रोशनी, सनलाइट। P700 है तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो सूरज की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स, कैरोटीन, क्लोरोफिल भी वगैरह, ये सब। तो सबसे पहले सनलाइट कहाँ आएगी, इसमें इनमें आएगी, डायरेक्ट सनलाइट कभी भी P700 में नहीं जाती। यहाँ से जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, फिर दूसरे सेल्स में, सॉरी दूसरे पिगमेंट में,
और वहाँ से फाइनली जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी आपकी, P700, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी कहाँ भेज दी जाएगी, P700 में। जैसे ही ये सूरज की एक्स्ट्रा रोशनी, भाई कोई भी पिगमेंट सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल हो वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहता है, हमेशा स्टेबल कंडीशन में। अगर उस मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत एनर्जी दी जाए या ज़्यादा एनर्जी दी जाए तो वो हमेशा एक्साइट हो जाता है, मतलब अब उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है तो वो एनर्जी उसको खर्च करनी ही पड़ेगी क्योंकि वापस से उसको स्टेबल होना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने एक्स्ट्रा खाना खाया है या मैंने खाना खाया है तो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे शरीर के अंदर आई है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगी ही, ठीक। उसी तरह से अगर एनर्जी इस P700 के अंदर गई, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी गई है, पहले जो कैसा था स्टेबल था, एनर्जी जैसे इसके अंदर गई जो अनस्टेबल हो गया, इसके अंदर एनर्जी आ गई, अब इसको दिक्कत है भाई एनर्जी निकालनी है बाहर, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा सीधे, FD क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, FD का मतलब होता है फेरिडॉक्सिन, ये नाम याद रखना फेरिडॉक्सिन। कुछ नए वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा है, वो उनका कहना है कि पहले इलेक्ट्रॉन जाता है FRS में और फिर जाता है फेरिडॉक्सिन में, जबकि पुरानी जो किताबें हैं पुराने वैज्ञानिक उनका कहना है कि सीधे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फेरिडॉक्सिन में, जबकि नए वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा FRS में फिर FRS से जाएगा FD में। FRS क्या चीज़ है, FRS का मतलब होता है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, फेरिडॉक्सिन पर गया, कहाँ से, P700 से। और एक तरीका ये भी है, ऐसे भी जा सकता है, जाना तो FD के पास ही है, या ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, ठीक। फिर FD से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6 में और यहाँ पर बन जाएगी ATP, किससे, ADP से। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी का कुछ इस्तेमाल कौन करेगा, ADP, और वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, ATP में, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से जाएगा कहाँ पर, साइटोक्रोम F में, यहाँ पर फिर से बनेगी एक और ATP, कैसे, ADP से, ठीक। और साइटोक्रोम F के बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पर, PC, ये है इम्पोर्टेंट, PC को क्या बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन। इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कभी, प्लास्टोसाइनिन के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इसके अंदर होता है कॉपर। ये भी पूछा गया है कई एग्जाम में कि इसका कलर क्या है, तो है ब्लू कलर। और डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कौन सा होता है, तो आंसर होगा प्लास्टोसाइनिन, या ब्लू कलर का प्रोटीन कौन सा होता है, तो आंसर होगा प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है कहाँ पर, P700 में, मतलब सूरज की रोशनी आई, वो रोशनी इसके अंदर गई, उससे जो एक्साइटेड हुआ, उस रोशनी की जो एनर्जी थी उस एनर्जी को लेके कौन निकला, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़ी एनर्जी उसने यहाँ ख़त्म की और बाकी की बची एनर्जी उसने यहाँ ख़त्म कर दी और यहाँ पर उसकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, अब वो वापस अपने घर लौट आया। यानी कि जो एनर्जी सूरज की रोशनी में आई थी वो किसमें बदल गई, ATP में, आधी इधर और आधी इधर। ये क्या हो गया, एक पूरा चक्र बन गया, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वहीं पर वापस आ गया, एक साइकिल इसने पूरा किया है। साइकिल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहीं वापस आएगा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आएगा, वही क्या कहलाता है, साइक्लिक, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसके ऊपर वो देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा फोटोसिस्टम काम करता है, PS1। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि PS1, या क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन सेंटर काम करता है, तो P700। एक और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा,
फेरिडॉक्सिन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड कौन सा है? फेरिडॉक्सिन। किसमें? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी एक साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो एक साइकिल में टोटल एक एटीपी और दो, यानी कि टोटल दो एटीपी बनते हैं, ठीक है। और क्या है, क्या इसमें आपको कहीं भी ऑक्सीजन दिख रहा है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है ना, लेकिन इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं निकलता। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकल रहा था वो ऑक्सीजन आता है वाटर से, पानी से। कैसे आता है, कई सारे वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव भी किया, बाद में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है ना वो पानी से आता है, H2O। तो O जो है ऑक्सीजन, वो कहाँ से निकला है? H2O से निकला है। यानी यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, मतलब यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब पानी को तोड़ना, सूरज की रोशनी की मदद से पानी को तोड़ना, मतलब यहाँ पर पानी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, पानी को यहाँ पर नहीं तोड़ा जा रहा है। जरूरत क्यों पड़ती है अभी देख लेंगे, अभी बस इतना याद रखो, यहाँ पर पानी की कोई भी पानी यहाँ पर नहीं टूट रहा है, वाटर यहाँ पर नहीं टूट रहा है, यानी यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं हो रहा है, कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बन रहा है। और यहाँ पर कहीं पर भी देखो ATP तो बन रहे हैं, लेकिन हमको और भी क्या चाहिए, NADPH2 भी चाहिए, लेकिन इस साइकिल में कहीं पर भी NADPH2 नहीं बनते, मतलब नो NADPH2 फॉर्मेशन, कोई भी NADPH2 यहाँ पर नहीं बनता है। किसमें? PS फर्स्ट में। तो ये हो गया क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।